दैनिक समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि राज्य के जो उत्पाद मंत्री है और शिक्षा मंत्री भी है, यानी हमें लगता है दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा के साथ साथ उत्पाद को भी जोड़ दिया गया है। और वो मंत्री ने शायद वो छत्तीसगढ़ के जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी को रद्द करते हुए फिर से उसको समीक्षा करने का ऐसा कोई अखबार नहीं, बड़ा प्रमुखता से छापा। तो हमें तो इस बात की शुरू से ही जानकारी थी, आप सबको ध्यान में होगा और आज भी मैंने ट्वीट में भी उसको डाला है कि 2022 के अप्रैल में हमने सरकार को एक पत्र लिखा था जो कि इतनी कवायद जिन कंपनियों को लेकर के हो रहा था उसको मैंने उसी समय इंगित किया था, रेहमान सोरेन जी को उसी समय मैंने सावधान कर दिया था और हमने कहा था कि अमुक अमुक कंपनी को देने के लिए सारी प्रक्रियाएं हो रही है इसलिए आप इसको देखिए। लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद ही मिले हुए थे और फिर उस पत्रों की किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर उसी छत्तीसगढ़ की कंपनी को काम दे दिया गया। बातें हो रही थी कि 23 करोड़ या 2300 करोड़ रुपए ऐसे ही राजस्व प्राप्त होगी और आज मैं इस अखबारों में शायद पढ़ रहा था कि लगभग 700 करोड़ रुपए कैसे नुकसान उठानी पड़ी है। आखिर इसकी कौन भर पाएगी, इसके लिए कौन जवाब दे, इसके लिए तो हेमंत सोरेन को जवाब देना ही पड़ेगा और आने वाला कल दिल्ली की तरह इस पर भी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। आखिर राज्य को इससे नुकसान हुआ है और लाभ जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए, उस पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा। सिर्फ उसको रद्द कर देना, उसको काम से हटा देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन जी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो देर सवेर सरकार में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर ही कार्रवाई होगी और उससे जुड़े हुए तमाम पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।